हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे तीन चीज़ों से मिल्क पाउडर की बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी मिठाई बनाना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमने लिया है एक बाउल मिल्क पाउडर, तो ये मैंने लिया हुआ है एक गिलास दूध, और इसी के साथ आपको लेना है 2 से 3 चम्मच घी। तो ये अब हम शुरू करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी गैस पर कढ़ाई रख लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने खाली कढ़ाई ले ली है, और अब हम अपने इंडेक्स को ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर डालते हैं 1 बड़ा चम्मच घी। अगर आपके पास छोटी चम्मच हो तो आप 2 चम्मच भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया हुआ है। अब हम अपने घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। तो देखिए, हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना 1 गिलास दूध। तो देखिए, ये मैंने 1 गिलास इसमें दूध डाल दिया है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया था, और अब हम अपने दूध को थोड़ा गर्म होने देंगे और जो इसमें दूध और घी है उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो हमारा दूध गर्म हो चुका है। आपको इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब हमने जो इसमें मिल्क पाउडर लिया हुआ है वो धीरे धीरे मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल दूँगी, और इसे साथ में हिलाती रहूँगी ताकि ये नीचे की तरफ चिपके नहीं और इसके लम्स बनकर तैयार ना हों। तो देखिए, साथ के साथ मैं इसे हिलाती भी जा रही हूँ और इसमें अपना मिल्क पाउडर डालती जा रही हूँ। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि मिल्क पाउडर मैंने कितना लिया था। ये मिल्क पाउडर मैंने 250 ग्राम लिया हुआ था। आप अपनी मिठाइयों के अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं और आपके घर में कितनी मिठाई बहुत रहेगी। तो अब मैं आपको 250 ग्राम मिल्क पाउडर से बताऊँगी कि आपकी ये मिठाई कितनी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी, जो इसमें लम्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप इसे इसी तरह हिलाते रहोगे तो जो इसमें लम्स हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत इलायची की खुशबू जाए तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, या फिर केसर की कुछ धागे भी डाल सकते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, क्योंकि ये सबके घरों में अवेलेबल नहीं होती। केसर, इलायची तो नॉर्मली सभी के घरों में, सभी के किचन में मिल जाती हैं, लेकिन केसर के धागे हर किचन में नहीं मिलते हैं। तो आप इसे लो फ्लेम पर ही बनाएं, बिल्कुल हाई फ्लेम पर ना करें, क्योंकि नीचे की तरफ चिपकता बहुत जल्दी है और उसमें जल्दी ही जले हुए की खुशबू भी हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे नीचे की तरफ चिपकने बिल्कुल नहीं देना है, और आपको इसे इसी तरह हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, आप इसे जितना हिलाओगे उतनी ही आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा जो दूध है वो बिल्कुल रबड़ी जैसा हो चुका है। इसकी कंडीशन पहले में और अब में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे आप इसे हिलाते रहेंगे तो खुद ब खुद ये टाइट होता चला जाएगा। तो देखिए, आप चाहो तो इसी कंडीशन में भी इसकी मिठाइयाँ बना सकते हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा टाइट और करूँगी ताकि हमारी मिठाइयाँ जल्दी जम जाएं। तो देखिए, अब यह टाइट हो चुका है, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारी मिठाइयाँ बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो इसी कंडीशन पे मैं इसे उतार लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले की कंडीशन में और अब की कंडीशन में आप इसमें चेंजिंग देख सकते हो। हमारा मिल्क पाउडर बिल्कुल गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। देखिए, आपको इसी प्रकार का इसे करके एक साइड में रख देना है। और अब हम लेंगे एक ट्रे या फिर कोई भी प्लेट या आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार का एक बाउल ले लिया है, आप देख सकते हो, और इस पर हम करेंगे थोड़ा सा इसे चिकना, और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा घी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार की एक ट्रे ले ली है। अब ट्रे को हम अच्छे से घी को इस पर चिपका लेंगे। तो देखिए, मैंने इस पर चारों तरफ से घी लगा लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और पिस्ता लिया हुआ है।
यही मैं इसके चारों तरफ डाल दूंगी ताकि हमारी मिठाइयों पर अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स अपने एक खाली बाउल में डाल लिए हैं और अब हम डालेंगे अपना यह पेस्ट जो कि मैंने अभी बनाया है। तो देखिए मैंने इसी के अंदर अपना थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि अब मैं चारों तरफ से अच्छे से फैला दूं। तो फ्रेंड्स ये मैंने देसी घी लिया हुआ है इससे हमारी मिठाइयों का स्वाद काफ़ी अच्छा बढ़ जाएगा। अब हम इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारी मिठाइयों भी अच्छे से लग जाए। देखिए मैंने इसे फैला लिया है। अब हमारा जो एक्स्ट्रा पीस इसमें बचा हुआ है उसे हम करेंगे कलरफुल। कलरफुल के लिए मैं इसमें डालूंगी ग्रीन कलर या फिर ऑरेंज कलर। तो फ्रेंड्स मैं इसमें अब डाल देती हूँ ऑरेंज कलर। तो देखिए सबसे पहले मैं अपने इंडेक्स को ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से हिला हिला के जैसे इसकी पहली कंडीशन थी थोड़ी सी पतली वो हो जाती है गर्म होने के बाद। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये फूड कलर जिससे कि इसका कलर रेड कलर का हो जाएगा। आपको इसे थोड़ी सी देर के लिए फिर से पकाना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका कलर रेड हो चुका है और अब हम इसे रेड कलर का करके करने की होने के बाद इसे रेड कलर का मैंने कर दिया है। अब हम इसे अपनी इन्हीं मिठाइयों के ऊपर फिर से डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फैल जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अपनी मिठाई आज फिर कलरफुल बना रही हूँ आज। तो देखिए मैंने अच्छे से चारों तरफ से देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ठंडा भी हो जाए और फिर मैं आपको इसकी फिटिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फैला दिया है ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन हो चुकी है। तो हमें इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही मैंने नीचे की तरफ इसमें ड्राई फ्रूट डाले हुए हैं। तो अब मैं कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जम चुकी है। अब हम इसकी कट कर लेंगे। कट आप इसे शेप में कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे टेढ़ी करके सब्जियों को निकाल लिया। आप देख सकते हो ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं आपको इसका एक पीस उठा के दिखा देती हूँ। देखिए यह दोनों तरफ से बहुत ही अच्छी और डबल साइड की बहुत बढ़िया मिठाई बनी हुई है। तो फ्रेंड्स अब मैं सभी मिठाइयों का आपको दिखा देती हूँ। जो नीचे की तरफ कट नहीं लगा हुआ है तो आप इसे दोबारा फिर से कट कर सकते हो। अगर आप इसके छोटे पीस बनाना चाहो तो आप इसके छोटे पीस भी बना सकते हो। मैंने ये बड़े बड़े इसमें कटे किए हुए हैं। देख सकते हैं हमारी मिठाइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। यह दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है आप देख सकते हो। और फ्रेंड्स कमाल की बात तो यह है कि ये मैंने डबल सेट की मिठाई बनाई हुई है जो कि आपको और आपके बच्चे को बहुत पसंद आएंगी। ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स मिल्क पाउडर की ये मिठाई आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यह आपको और आपकी फैमिली के हर मेंबर को बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आपने ये एक बार मिठाई बनाकर खा ली तो आप हलवाई की दुकान से मिठाई लाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे और घर पे ही ऐसी मिठाई बनाकर खाएंगे। तो देखिए अब मैं आपको ये मिठाई तोड़ के दिखाती हूँ। इसका दाना दाना कैसे गिरा हुआ है, इसका दाना कैसे खिला हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स अगले एक न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए